वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आप सबको जुमा मुबारक हो जनाब। और आज का दिन हम बहुत सारी बातें करेंगे और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे और तमाम तर जो मामलात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी आईसाइट के हवाले से, जो जो चीज़ें होंगी आज इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। और आज आपके साथ रिसर्च हम जो शेयर करने वाले हैं वो है कि हाथों की हरकत से ज़हनी अमराज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाथों की हरकत की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हर इंसान का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ बहुत ज़्यादा हाथ हिलाकर बात करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कहने के बहुत सादगी के साथ बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, जेस्चर डिफरेंट होते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से हाथ हिलाते हैं, कुछ बहुत नॉर्मली डिस्कशन करते हैं, उनके हाथों की मूवमेंट होती है। तो इन हरकत का जायज़ा लिया जाए और जनाब इनसे इंसान की जो दिमागी और ज़हनी जो पोशीदा इमराज हैं जो आपको नहीं डायग्नोज कर सकते वो आपको पता लगाया जा सकता है। बरतानिया में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई जिसमें बहुत सारे लोगों को की हाथों की हरकत को डिजिटल नकल के जरिए अंजाम देकर उनकी अंदाज़ा लगाया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। डिजिटल हरकत क्या है कि इंसानों की जो हाथों की हरकत है उसको स्कैन किया जाता है कंप्यूटर के जरिए, मुख्तलिफ हरकतों व सकनात उनका जायज़ा लिया जाता है। तो जनाब ये दिया गया और स्टिमुलेशन के जरिए उनकी हरकत को नोट करके पढ़ा गया और जब हाथों को घुमाने की रफ्तार और शिद्दत का अंदाज़ा लगाया गया तो बाद में पता लगा कि ये आप इससे बहुत आसानी से तो नहीं, बहुत टेक्निकली ये चीज़ों को देख सकते हैं कि जिन लोगों को शिज़ोफ्रेनिया या अल्जाइमस की बीमारी है उनकी जो शिद्दत है, उसकी नौयत है, उसको समझा जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन हो सकता है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव चीज़ सामने आई कि हाथों की मूवमेंट के ज़रिए जो बहुत सारे पोशीदा अमराज हैं इनको डायग्नोज भी किया जा सकता है, उनकी शिद्दत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है और उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। तो ये तो थी आज की इंटरेस्टिंग रिसर्च। अगली खबर भी आपसे हम शेयर करते चले और कहते हैं कि इंसान, हम अक्सर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, यही बात कर रहे होते हैं कि जो इंसान सोचता है, जो इंसान के अंदर फीलिंग हो रही होती है वो खुद तो आया कर रहा होता है लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। और वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे होते हैं कि इंसान की आदत होती है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज भी आप अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी। अगर आप बहुत खुश इंसान के साथ घूमते हैं या बैठे होते हैं या उसकी कंपनी में होते हैं तो आप बहुत लाइवली भी फील करते हो, और इवन आप डाउन भी हो तो आपके कहीं ना कहीं आप एक अच्छी एनर्जी के साथ सामने आते हैं। लेकिन अगर आप वही एक परेशान शख्स के साथ बैठे हों तो आपके अंदर भी वो नेगेटिव एनर्जी, वो स्ट्रेस, वो तनाव ट्रांसफ़र हो जाता है जिसकी वजह से जो है आप भी डाउन हो जाते हैं। तो लिहाजा आप आधे घंटे की मुलाकात अगर आप किसी अच्छे खुशगवार मूड वाले इंसान से करेंगे तो आप अपनी परेशानियां भी भूल जाएंगे, और यही अगर आप किसी टेंशन ज़्यादा आदमी के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी उसी तरह की टेंशन में मुबतला हैं। तो इंसान माहरीन का कहना है कि जो इंसानी जिस्म है वो एक स्पंज की तरह होता है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जब बहुत सारी जो डिफरेंट मूड्स के, डिफरेंट टेम्परमेंट्स के लोग बैठे हों, यानी मिले जुले जिस बात के अफराद बैठे हों, कोई खुश है, कोई डाउन है, कोई उदास है, कोई परेशान है, मतलब इस तरह की जो जो कैफियत होती है उनके, तो आप बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी वो डिफरेंट जो एनर्जीज़ हैं या डिफरेंट मूड्स हैं वो अंदर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, तो आप भी बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी खुश इंसान की, जैसे मैंने कहा, तो आप खुश हो जाएंगे, अगर आप परेशान के साथ बैठे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। लिहाजा ये कहा जाता है आइडियली कि आपको अच्छा टाइम गुजारने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मूड के साथ आप बैठे, उन लोगों के पास भी बैठे जिनका पॉजिटिव मूड है, लेकिन उसके साथ साथ आप नेचर के करीब ही अपना वक्त गुजारें, ग्रीनरी को देखें, कुछ सनसेट, कुछ सनराइज, इस तरह की एनर्जीज भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आप ताज़ा हवा लें, उससे भी आपका मूड जो है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो लिहाजा मूड जो है डेफिनेटली आपका मूड तो इम्पैक्ट करता है दूसरों पर, तो इसी तरह दूसरों का मूड भी आप पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज चाहते हैं तो आप पॉजिटिव लोगों के, ऐसा नहीं है कि जो बेचारा परेशान है उसको उसके हाल पर छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है, हाँ ज़रूर करना चाहिए लेकिन एक हद तक, और आपको कंसोल करना चाहिए चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि आप उनकी जो परेशानी की कैफियत है वो अपने अंदर ट्रांसफ़र करें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए हैं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कॉन्टैक्ट लेंजेस की बात करेंगे, जिन लोगों की आईसाइट वीक होती है वो क्या कॉन्टैक्ट लेंजेस का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर डिस्कशन होगी। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर समीरा इरफान जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर समीरा, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। समीरा, सबसे पहले तो हम आईसाइट की बात करें तो
आई सेड नॉर्मली हम क्या वजह बताते होते हैं कि वीक क्या, हम इससे आगाज करें कि आई सेड वीक क्यों होती है और इसके बाद कॉन्टेक्ट लेंजेस पे आते हैं। कितना टाइम है आपके पास? जी जी जरूर बताएं। आई सेड वीक क्यों होती है, लास्ट प्रोग्राम भी हमने किया था गैजेट्स पे। इनिशियली आई साइट्स इतनी वीक नहीं होती जब बच्चा पैदा होता है, और अगर आप गैजेट्स से उनको दूर रखें, आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, तो ये सारे मसले नहीं होंगे। पहले नहीं होते थे लेकिन अब ये ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सारा दिन बच्चे कमरों में घुस के बैठे रहते हैं सेलफोन्स लैपटॉप्स पे, ठीक, और प्रॉपर ग्लासेस मिलती नहीं है। पेरेंट्स जाते हैं ऑप्टिशियन के पास, जो भी प्रॉपर उन्होंने इम्प्रॉपर चेक होता है, दे आर नॉट ट्रेन्ड पीपल, तो आप प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर ग्लासेस का नंबर लें। और जिस तरह के लास्ट टाइम हमने ये बोर्ड्स डिस्प्ले किए थे कि जी ये प्रॉपर तरीका है ग्लासेस पहनने का, तो वो पहने तो फिर ये नंबर नहीं बढ़ेंगे, और रेगुलर चेकअप रखें। अच्छा डॉक्टर समीरा, कॉन्टेक्ट लेंजेस की बात करें तो आई से अगर वीक है तो कॉन्टेक्ट लेंजेस का इस्तेमाल जरूरी है? कॉन्टेक्ट लेंजेस देखें, एक आर्टिफिशियल चीज आप अपनी आंख में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आंख के अंदर। अब ट्रेंड ये है लोगों का कि जी इंटरनेट पे बहुत सस्ते मिलते हैं, वहाँ से जाके ऑर्डर किए और जो भी आपका नंबर है वो आपने लगा लिए। अब इंटरनेट से लेना सस्ता तो पड़ता है, ये निहायत नुकसानदेह है, आपने प्रॉपर आई चेकअप नहीं करवाया। सो कॉन्टेक्ट लेंसेज आप पहनना चाहते हैं, नंबर वन अपना प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट से प्रॉपर चेकअप कराएं, वो चेक करेगा और देखेगा कि जी आपकी आंख सूटेबल भी है कॉन्टेक्ट लेंस के लिए कि नहीं। हर आंख को सूट नहीं करते, फिर वो आई स्पेशलिस्ट आपको प्रॉपर आई का नंबर देगा, आपकी नज़र का नंबर है क्या। अब वो नंबर जो है वो, जैसे कि ये मैं प्रिस्क्रिप्शन लाई हुई हूँ कि जी जी आप वो जो नंबर है वो दो फिगर्स पे होता है, एक स्फेरिकल होता है, ठीक है, जिस पे वो तो एक सॉलिड नंबर होता है, उसका तो आप लेंस पहन सकते हैं, लेकिन ये जो जाविये वाला नंबर होता है इसके कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं आते। और अगर आपकी आंख में तीन या चार नंबर का जाविये वाला नंबर है और वो आप कॉन्टेक्ट लेंस सादा पहन रहे हैं तो आपको तो नजर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या कर लेंगे आप? सही, तो गलत नंबर जो आई साइड होती है, और इवन उनमें ग्लासेस भी बड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड सा एक नंबर होता है। हमेशा दो नंबर होते हैं, एक जो है स्फेरिकल होता है, एक जो है जाविये वाला होता है। तो जाविये वाला तो ऐनक में तो आपका सही एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस में तो वो इधर आता ही नहीं है, वो बाहर से उनको ऑर्डर करके बनवाना पड़ता है और वो काफी महंगा आता है, इसलिए आम दुकानों वालों के पास तो होता ही नहीं। और अगर आप गलत कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं तो नजर तो आएगा नहीं, खराब आप आंख कर ही रहे हैं उससे। अब खराब आंख कैसे कर रहे हैं कि एक तो मौसम हमारा ऐसा है, यहाँ का ह्यूमिड है, हॉट है, पसीना आता है, गर्मी है, बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में एलर्जीज हमारे मुल्क में हर जगह ही बेताश है। अब एक फॉरेन बॉडी आप आंख में लगा रहे हैं, आपने आई स्पेशलिस्ट या देने कॉन्टेक्ट लेंसेज देने वाले से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी ली कि उसकी केयर कैसे करनी है, उसको प्रॉपरली वॉश करना है, उसके बाद आंख में लगाना है। अच्छा, जितनी लड़कियां हैं अनफॉर्चुनेटली दे हैव लॉन्ग नेल्स, अच्छा आपने फिंगर टिप पे रख के उसको आंख में इंट्रोड्यूस करना है। अब आपका फिंगर नेल लंबा है तो वो तो रखते रखते ही आपके कॉर्निया को डैमेज कर देगा, और उस डैमेज कॉर्निया पे आपने लेंस रख दिया जो कि एक फॉरेन बॉडी है, वो तो आंख खराब हो जाएगी। और एक दफा कॉन्टेक्ट लेंस वाली आंख से आंख जो खराब हो जाती है, अल्सर या जख्म बन जाता है, वो फिर यू कैन लूज योर साइट। तो इट्स सच अ डेंजरस थिंग अनलेस कि आपने उसकी प्रॉपर केयर करनी है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। डॉक्टर समीरा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कि अगर आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं ली तो जाके मिलिए किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से या कॉन्टेक्ट लेंस स्पेशलिस्ट से, उनसे सही तरीका सीखें। तरीका जो है वो 1:1 सीखा जाता है, इंटरनेट पे या एक लीफलेट पढ़ने से नहीं आएगा, वो प्रॉपर आपको गाइड करेगा कि हाथ कैसे धोने हैं, आंख में ये जो थोड़ी मेजर टिप्स हैं वो तो आप भी बता सकती हैं हमें, वो भी हमें बता। मेजर टिप्स ये हैं कि जी उसका केस किसी को नहीं पता होता कि जी केस को भी धोना है, कॉन्टेक्ट लेंस के केस को, उसको भी स्टरलाइज करना होता है, और उसके बाद जो कॉन्टेक्ट लेंस है रोज रात को निकाल के सोएं आंख में से, चाहे वो एक्सटेंडेबल वियर आपने ली है जब तक, क्योंकि हमारा मौसम ऐसा नहीं है, ठंडी जगह हो तो अलग बात है, लेकिन रात को जो भी आपकी आंख में वियर टियर होगा
जो दिन में हुआ हुआ है, क्योंकि आई एक फॉरेन बॉडी है जो आंख के ऊपर कॉन्स्टेंटली रब कर रही है। रात को आप उतार देंगे तो वो आंख हील हो जाएगी, और दिन में उसको मौका मिल जाएगा, फिर आप उसको वॉश करके तो दोबारा डाल दें, आप पहन लें आंख में। अच्छा, कुछ ज्यादा फैशन भी कोई जरूरी नहीं है कि आपकी आई से वीक हो, हम वैसे भी कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज, अब कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज भी वो इंटरनेट पे बेशुमार हर रंग में होती है और लोग खरीद लेते हैं। अब ना आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, ना आपके पास केयर का तरीका है, और वो सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। और जो क्वालिटी ऑफ लेंस की बात वो भी खराब है, वो इंटरनेट पे तो नहीं आपके जज कर रहे हैं ना कि क्या क्वालिटी है जो आपको अवेलेबल है। इसके अलावा भी डॉक्टर समीरा, आप किसी आम ऑप्टिक शॉप ऑप्टिशियन, अब बेचारे वो भी इतने ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, अगर तो अच्छा कॉन्टेक्ट लेंस स्पेशलिस्ट है वो तो आपको सही चीज देगा। अब आपने नंबर दो, नंबर तीन, चाइना के हर तरह के मार्केट में अवेलेबल है, खराब आपने अपनी आंख में डाल ली और एक दफा आंख में जख्म हो गया वो तो गई। कहा जाता है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल जो मजीद आई शेड भी यूज कर देता है, अनलेस कि वो प्रॉपर नंबर का नहीं है, प्रॉपर नंबर का नहीं है तो आपको नजर आएगा नहीं, जब नजर नहीं आएगा आपने आंखें स्क्वीज करके देखना है, तो जो स्क्वीज कर रहे हैं आप आईज को वो आपको आंख पे प्रेशर डाल रहा है और नंबर बढ़ेगा। जितना आपको प्रॉपर नंबर नहीं होगा वो आंख में ब्लर्ड विजन करेगा, और ब्लर का जो सिग्नल है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है टू इंक्रीज द नंबर। अच्छा, इम्पोर्टेंट, जितना ब्लर्ड विजन होगा नंबर बढ़ेगा। अच्छा, नॉर्मली हम यही प्रैक्टिस के अक्सर लोग पूरा दिन, जैसे आप मेरी जो आपका क्राइटेरिया है कि आई कांट वेयर ग्लासेस, और मैंने पहने ही पहने कॉन्टैक्ट, मेरी आईसाइट वीक है और मुझे देखना भी है, तो मेरे लिए तो टाइम ड्यूरेशन इतना है कि अगर मैंने 3 घंटे इस्तेमाल किया तो उसके बाद उतार दिए जाए। आप सारा दिन पहन लें लेकिन रात को जरूर रिमूव करें, और फिर जितना ये लोगों में प्रैक्टिस देखने में आती है डॉक्टर समीरा के रात को भी लगा के सो जाते हैं। बिल्कुल, वो एक एक हफ्ता दो दो हफ्ते नहीं निकालते, दो दो हफ्ते महीना कहीं, तो इट्स वेरी कॉमन, और फिर वो जख्म हो जाता है, फिर आ जाते हैं जी। अब ये हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समीरा, बहुत शुक्रिया कि आपने बता दिया। जनाब, कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से डिस्कशन की, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल भी कोशिश करें कि अवॉइड करें, और जिनकी मजबूरी है वही लेंसेज का इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, प्रॉपर उसकी सफाई होनी चाहिए, उसको प्रॉपर जिसका वाटर होता है जिसमें उससे आप उसकी सफाई करें। आम लोग जो मैंने देखा पानी भी इस्तेमाल करके उसको कॉन्टैक्ट लेंसेज को कर लेते हैं, तो जैसे वक्तन फवक्तन आप अपने सोल्यूशन से उसको वॉश करें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि आप जैसे ही आपको ज़रूरत नहीं है आप अपने लेंसेज उतार के ग्लासेस पहन लें, वो ज़्यादा सेफ़ है वो। और वाकई जब मैंने खुद भी लेंसेज पहनना शुरू किए थे मैं इतनी कॉन्शियस थी और मुझे इतना खौफ आता था कि एक चीज़ आँख के अंदर जा रही है वो आपको कितना डैमेज कर सकती है, और इन्फेक्शन होते भी मैंने लोगों को देखा। तो बेहतर यही है कि लेंजेस का इस्तेमाल इन केस अगर आपकी मजबूरी है तो करें, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। और ये आज का मैसेज मैंने और डॉक्टर समीरा ने आपको दे दिया है, और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास और भी मेहमान होंगे, डिस्कशन होगी, आपको लाहौर शहर के हालात वाकयात भी बताएंगे, न्यूज स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।